चार धाम यात्रा चरम पर है और इसी बीच कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जनपद उत्तरकाशी में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री गौमुख एवं गंगोत्री से कांवड़ भरने आते हैं। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी रहती है। गंगोत्री से पैदल कांवड़ यात्रियों के कारण पूरी सड़कें जाम रहती हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्लान बना दिया है। इसमें भंडारा चलाने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर फोर्स भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। ये जो दूर दराज के क्षेत्रों से जो कांवड़िए भोले के भक्त आ रहे हैं, उनकी सरल, सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। उसके लिए हमने जो है हमारी पुलिस प्रशासन की जो ब्रीफिंग है वो कर ली गई है और जो थाना लेवल पे जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो भंडारे लगाते हैं मेन मेन स्थान पे, जैसे मनेरी, ओंगी, मातली और भैरव चौक पे, उनके साथ हमारी मीटिंग जो है आगे प्लान है और उनको हम बता देंगे कि भाई किस तरह से जो है उनका कंट्रोल करना है कांवड़ियों को और किस तरह से बात करनी है, हम उनसे बात करेंगे। और हमने कुछ स्थान जो हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं जो सेंसिटिव और वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बारिश की वजह से जो मलबा आता है या पत्थर गिरते हैं, तो वहाँ पे हमारी फोर्स तैनात रहेगी और कांवड़ियों को भी हम जो है समझाइश देंगे हमारे मीडिया और फेसबुक के पोस्ट से कि भाई अगर मौसम ख़राब रहे तो अपनी यात्रा जो है थोड़ा डिले करके रखिए। और कांवड़िए जहाँ से पानी भरते हैं, जो जैसे गंगोत्री घाट हुआ, तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है अभी गंगा जी का स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है जल स्तर, तो वहाँ पे हम SDRF और हमारी फायर सर्विस की टीम जो है तैनात रहेंगी। और इसके अलावा जो है हमारी चार टीमें मोबाइल टीम जो है गाड़ियों के साथ गश्त पर रहेंगी और किसी भी ट्रैफिक का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे उसको उसी वक्त जो है हम हल कर दिया जाएगा। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं कांवड़ यात्रा सुरक्षित करवाने के लिए। जिस तरह से देखिए नशे को लेके जो है उत्तरकाशी पुलिस बहुत पूरी तरह से सख्त है, हमारी जो कार्रवाई है लगातार चल रही है और कांवड़िए जो आ रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप एक धार्मिक आस्था में आ रहे हैं, विश्वास का आस्था की एक यात्रा है ये, तो इसमें इस तरह का जो मदिरापान है और जो नशे की चीज़ों से दूर रहें और जो है इस तरह का कोई भी क्रय विक्रय या इसका परिवहन ना करें, अन्यथा इसमें पुलिस को कुछ सख्त कार्रवाई करनी।